राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रदेश सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल की सराहना की है। प्रदेश सरकार द्वारा कई जनहितैषी निर्णय लिए गए और अनेक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू किया गया है। 11 दिसंबर को धर्मशाला में राज्य सरकार के एक वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर व्यवस्था परिवर्तन का एक साल पर आयोजित किए जा रहे समारोह की तैयारियों को लेकर हुई बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारी आपदा के कारण सरकार को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बावजूद इसके प्रदेश के विकास में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी गई। जगत सिंह नेगी ने कहा कि आम जन की सुविधा के लिए राज्य सरकार लंबित राजस्व मामलों का प्राथमिकता से निपटारा कर रही है और राजस्व लोक अदालत के माध्यम से इंतकाल के लंबे समय से लंबित 45,000 से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है। 11 दिसंबर के दिन कांग्रेस सरकार का जो वर्तमान कार्यकाल है उसका एक वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसे जो है व्यवस्था परिवर्तन का एक वर्ष इस नाम से हम जो इसको मनाने जा रहे हैं। इसमें जो व्यवस्था परिवर्तन है, आपने देखा होगा इस बार कि पहली बार जो है हमारा जो आपदा प्रबंधन है उसमें एक नई पहल की गई है। तो इस बार जो है कांग्रेस की सरकार ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहल पर जो ये राहत राशि है इसको बढ़ाकर जो है मकान जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए हैं उसको जो है 7 लाख रुपए देना शुरू कर दिया है।